gama pa ma ga ni da pa sa ni da pa ma ga ni da pa ma gama pa ni sa re sa re ga re sa ma ga re pa ma ga ma ga re ga। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज एक बहुत ही फंडामेंटल लेक्चर में आप सभी के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, कई मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से कि सर ताल में कैसे गए। कई लोग ट्रैक पे भी गाते हैं तो वो ट्रैक से चूक जाते हैं, अर्थात ताल में नहीं गा पाते। तो एक बहुत ही फंडामेंटल लेक्चर आप सभी के समक्ष में लेके आया हूँ। कहते हैं कि संगीत की शुरुआत अलंकार से होती है और उसका अंत अहंकार से होता है ना दोस्तों। तो उसी अलंकार की आज हम बात करेंगे। चार अलंकार मैं आज आपके समक्ष शेयर करूँगा और चार ही ताल में, है ना दोस्तों। देखिए, मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको ये चीज़ बता रखी है दोस्तों कि ताल का जो आधार है वो है लय। लय मीन्स देर हैज टू बी अ यूनिफॉर्मिटी। एक रस, दो, तीन, चार, पाँच, छः, जितनी एक मात्रा दूसरी मात्रा से दूर है उतनी दूसरी मात्रा तीसरी से दूर है उतनी तीसरी चौथी से, एंड सो ऑन, है ना दोस्तों। आप घड़ी में टिक टिक देखते हो, उसमें भी एक लय है, एक ही नहीं दोस्तों, टिक टिक टिक। कई बार आप ये भी पुरुषार्थ कर सकते हो, घड़ी की टिक टिक चल रही तो टिक 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 टिक। बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है, लेकिन आपकी इससे लय पक्की होगी और लय पक्की होगी तो ताल अपने आप पक्की हो जाएगी आपकी, है कि नहीं दोस्तों। या फिर आप पंखा चल रहा है, पंखे में भी एक लय है। हर चीज़ में आप लय ढूंढ सकते हैं। तो उस यूनिफॉर्मिटी को हमको पक्का करना है, वो पक्की होगी तो आपकी ताल पक्की हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो मैं आज अलंकार आपसे शेयर करूँगा। चार अलंकार हैं और वो चार अलग अलग तालों में। अलंकार की आप प्रैक्टिस अगर आप ताल के साथ करते हैं तो आपकी ताल निश्चित रूप से पक्की होगी, ये मेरा अनुभव है। बिकॉज ये बेसिक छंदों वाली ताल है हमारी, है कि नहीं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, ये कुछ बेसिक अलंकार मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, उसको आप कम से कम 50 बार गाइए, आपकी ताल 100% पक्की होगी दोस्तों, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। तो सबसे फंडामेंटल अलंकार जो हम गाते हैं, सा रे गा मा प द नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सा रे गा मा प द नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये अब मेरी लय यूनिफॉर्म है कि नहीं दोस्तों। अब तालें अलग अलग हो जाएंगी, दैट इज इररिस्पेक्टिव, तालों की मात्रा अलग अलग हो जाती है जिससे ताल अलग अलग हो जाती है। 16 मात्रा कर दूंगा तीन ताल हो जाएगी, 8 मात्रा कर दूंगा गैरवा हो जाएगा, 6 मात्रा कर दूंगा दादरा हो जाएगा, 10 मात्रा कर दूंगा तो मेरी झपताल हो जाएगी। लेकिन लय तो मेरी वही रहेगी ना, यूनिफॉर्मिटी, एक नियमितता होनी चाहिए हर ताल में। लेकिन ताल का एक एलिमेंट होता है कि किस प्रकार हम उसको मेजर करें। जैसे आपका वेट है, आपका वेट आप कैसे मेजर करोगे किलोग्राम्स में, ऐसे ही ताल को मेजर कैसे करेंगे, तो मात्रा के थ्रू। इसलिए अलग अलग मात्रा हो गई और अलग अलग मात्रा से अलग अलग ताल बन गई। लेकिन मेरा रूट तो वही रहा, मेरी लय तो वही रही ना, है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी, एकदम फंडामेंटल तीन ताल को गा के बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल से अलंकार में। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा, सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा, सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा, सा रे ग म प द नी सा, सा नी द प म ग रे सा, सम। तो ये तीन ताल का एक अलंकार हो गया। पहले मैंने सिंगल में किया सा रे गा मा, अर्थात एक मात्रा में एक सुर, और फिर मैंने उसकी डबलिंग कर दी। आप ये करेंगे आपके दिमाग में ताल 100% बैठेगी, स्पेशली तीन ताल, है कि नहीं दोस्तों। चलिए अब हम सीखते हैं एक ताल का एक खूबसूरत अलंकार, तो इससे आपका एक ताल में पकड़ बन जाएगी दोस्तों। कोई भी चार फंडामेंटल ताल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो वो कौन कौन सी होती है, तीन ताल, एक ताल, दादरा और कैरवा। ये चार फंडामेंटल ताल है और इन्हीं चार तालों में मैं आपको चार अलंकार सिखाऊंगा जिससे आपकी ताल पक्की होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं अब आपको एक ताल में एक अलंकार सिखाता हूँ जिससे आपको एक ताल आपके जहन में बैठे। देखिए दोस्तों, एक ताल, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, कत ता धागे तिरकिट धी ना, सा ग रे म ग प म ध प नी द सा, सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा, सा ग रे म ग प म ध प नी द
सा सा द नि प ध म प ग म रे ग सा सा ग रे म ग प म द प नि द सा सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा सा ग रे म ग प म ध प नि द सा सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा सम। तो ये एक ताल का अलंकार हो गया, इससे आपकी एक ताल पक्की होगी। मेरा लेक्चर क्या है, ताल में कैसे गाएं, उसका आधार अलंकार के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक और मैं आपको अलंकार लेता हूँ, इस बार हम लेते हैं दोस्तों दादरा, ठीक है। दादरा छह मात्रा का, धा दीना धा तीना धा दीना धा तीना धा दीना धा तीना सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प द नि द नि सा सा नि द नि द प ध प म प म ग म ग रे क रे सा सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प द नि द नि सा सा नि द नि द प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा डबल सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प द नि द नि सा सा नि द नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प द नि द नि सा सा नि द नि ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे सा सम। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी ताल दादरा पक्की हो सकती है, पहले सिंगल में फिर दुगन में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ये ले बस आपने अगर पकड़ ली तो दुनिया भर की कोई भी ताल आप ले आइए आप कभी भी चूकेंगे नहीं उससे, कभी भी बेताले नहीं होंगे। भातखंडी जी ने क्या कहा था, स्वर गया तो सर गया, ताल गया तो बाल गया। देखिए बेसुरा इंसान हर किसी को पकड़ में नहीं आता, लेकिन बेताला हर किसी के पकड़ में आ जाता है। इस कारण से ताल की प्रैक्टिस, ताल के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए एक और मैं आपको अलंकार सिखाता हूँ, ये ताल कैरवा में है और इसको हम सीखते हैं, आइए। धागे नाते नाक धीना धागे नाते नाक धीना सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प द नि सा सा नि द प नि द प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प द नि प ध नि सा सा नि द प नि द प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे सा सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग रे सा। तो इस प्रकार दोस्तों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये चार अलंकार बहुत बेनिफिशियल रहेंगे चार तालों में, जिससे आपकी तीन ताल, एक ताल दादरा और कैरवा, इसमें आपकी पकड़ बनेगी। तो ताल में कैसे गाएं, आपकी ये समस्या इस लेक्चर से 100% दूर होगी अगर आप नियमित तरीके से इसका रियाज करेंगे। आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे ही आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।